गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू नॉफ राइडर। दोस्तों तो संभाजीनगर राइड का ये दूसरा दिन है और लास्ट ब्लॉग में आपने देखा ही होगा कि मॉर्निंग में सबसे पहले हम लोगों ने दैत्य सुदान मंदिर एक्सप्लोर किया। अब यहाँ से निकल के हम जा रहे लोनर क्रेटर की ओर। दैत्य सुदान मंदिर से क्रेटर की दूरी महज 1 किलोमीटर की है और बाइक से हम 3 से 4 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। अभी समय हो रहा है 10 o'clock इन द मॉर्निंग और ₹30 पर पर्सन एंट्री फी पे करके हम लोग एंट्री गेट से अंदर जा रहे हैं। एंट्री गेट के सामने पार्किंग के लिए छोटा सा स्पेस अवेलेबल है और हाँ, पार्किंग इज एब्सोल्युटली फ्री। अंदर जाते समय याद से ड्रिंकिंग वाटर कैरी कीजिए क्योंकि बहुत दूर तक पैदल जाना है और अंदर पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा कि हमारे साथ गाइड है मिस्टर वैभव मोरे और इस स्क्रीन के ऊपर उनका कॉन्टेक्ट डिटेल्स है। अगर आपको जरूरत है तो प्लीज उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए। ये जो है अभी ये स्ट्रक्चर दिखाया गया, यानी वो इंडिकेशन दिखा रहे थे इसका कि एक जो है कि दिशा दिखाने के लिए, डायरेक्शन के लिए okay. और एक जो मैथोलॉजिकल कंसेप्ट है कि अगर कोई आदमी यहाँ पर आ गया या बुजुर्ग आ गया हाँ। तो नीचे देवी तक नहीं जा पाता okay. अगर उस आदमी के पैर अगर इस मूर्ति पर टच हो गए हाँ। यानी वो देवी के चरणों में चला गया, यानी उसका दर्शन okay. पूरा हो गया okay. ये मैथोलॉजिकल मीनिंग है। अब हम जहाँ पर खड़े इसे कहते हैं गोविंद टेम्पल, यानी हमने जो मैथोलॉजी स्टोरी अभी जो देखी है इसके अंदर जो दिखाया कि गाय दिखाई गई, गाय के जो पानी गिरता है वो सेम इज दिस पॉइंट जो है गोमुख कहा जाता है। कंटिन्यू वाटर फॉल 24/7 365 डेज। अब कभी भी आएंगे तो आपको पानी दिखाई देगा। प्लस आप ये जो है कि ये 11th to 13th century के बीच में बनाया गया है ओके okay. हिमाडपंथी आर्किटेक्चर यानी इंटरलॉक स्टोन सिस्टम आप सब तरफ देख सकते हैं। साइड में जो पूरे मंदिर है यानी वो अलग अलग भगवान दिखाए गए। 90% जो है कि शिव जी की मंदिर है यानी शिवलिंग दिखाया गया है। इस साइड में जो है शिवलिंग है, सामने जो है यानी लवनासुर की जो कथा है उस टाइप की मूर्ति बनाई गई और एक देवी की मूर्ति है। चलो तो अब चलते हैं नीचे सरोवर की ओर। गोमुख से निरंतर बहने वाली धारा का जल लोनार सरोवर की तरफ बहते रहता है। अब हम पहुंचे हैं कुमारेश्वर मंदिर में। नमः शिवाय। इस मंदिर के छत के नीचे भी सुंदर नक्काशी तराशी हुई दिखाई देती है। ये है फॉरेस्ट चेक पोस्ट। यहाँ एंट्री फी पे करके हमें आगे बढ़ना है और हाँ, इन सूचनाओं का पालन जरूर करें। ये देखिए ये लिपर्ड की विस्टा है। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें बाल है, तो उसने जो भी कुछ खाया रहेगा उसके बाल हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये विस्टा तो है पूरी गिली गिली, मतलब आज या कल के दिन में ही यहाँ पे लेपर्ड आया था। उस टेम्पल का नाम है यज्ञेश्वर। 11th to 13th century के बीच में बना हुआ है। सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ कई जगह पर अलग बद दिखाया गया है, लेकिन ये मंदिर जो है पूरा टूट चुका है, भग्न हो चुका है। यानी इसका जो मेन पोर्शन रहता है ये वाला है, यानी इसे कहा जाता है गर्भगृह। यानी जहाँ पर मंदिर भगवान रहते हैं वो टूटा हुआ है, अंतराल टूटा हुआ है, सिर्फ जो है सभा मंडप जो है उसका पोर्शन बाकी है। ओवरऑल पूरा मंदिर अच्छा था लेकिन ये बाद में टूट चुका है। ये छत पहले ओपन था और ऐसा कहते हैं कि पुरातन काल की ये वेदशाला थी। यहाँ से तारों एवं ग्रहों का निरीक्षण करके उनके बारे में जानकारी हासिल की जाती थी। इसका छत अष्टकोणी है। इसकी 8 भुजाएं 4 मुख्य और 4 उपदिशाओं को दर्शाती है। इस छत के नीचे तराशी गई नक्काशी में युद्ध प्रसंग का वर्णन दिखाया गया है। युद्ध में जिन प्राणियों का इस्तेमाल किया जाता था वो तराशे गए हैं। अब यहाँ हमें गाइड द्वारा एक टास्क दिया जाता है। इन प्राणियों में एक प्राणी सबसे अलग है, उसे ढूंढने का टास्क। ये देखिए ये है ऊंट, सबसे अलग। अगर गाइड की माने तो ये लेपर्ड का फुटप्रिंट है। वेलकम टू लोनार, मेरा नाम वैभव मोरे, MTDC गाइड। अब जहाँ हम खड़े हैं हम लेक के पास में आ चुके हैं, वाटर लेवल के पास। अब सबसे मेन सवाल जो आता है कि लोनार का जो लेक है वो बना कब, किस वजह से बना। तो ऐसा कहा जाता है कि लोनार जो क्रेटर है वो बन चुका है 52,000 साल पहले, जो कि 1975 में जो रिसर्च हुआ था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया
उनके हिसाब से जो बताया जाता है कि 52,000 साल पहले बन चुका है। उसके बाद में जो एक जापान का पोलर रिसर्च सेंटर है, उन्होंने जब रिसर्च किया उनके हिसाब से जो बताया जाता है 62,000 साल पहले बन चुका है। और अभी रिसेंट जो हुआ 2018 में स्मिथसन इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका, उनके हिसाब से जो बताया जाता है वो बताया जाता है 5,75,000 साल पहले। यानी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होते गए वैसे वैसे इसके जो डेट्स है वो चेंज होते गए। अब सबसे पहले कि लोनार क्रेटर बना किसकी वजह से, जैसे कि आप सबको पता है गूगल पर यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो रिसर्च कि मेट्रोइड इम्पैक्ट की वजह से है, यानी उल्कापात की वजह से। लेकिन अभी रिसेंट जो रिसर्च हुआ है उसके हिसाब से उन्होंने बताया है कि ये जो है कि मेट्रोइड इम्पैक्ट नहीं है, एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट है। अब एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट जो कहा जाता है यानी उसे अश्निपात कहा जाता है। यहाँ पर जो एस्ट्रॉइड गिरा था उसका वजन था 2 कोटी टन, 2 मिलियन टन। उसकी जो स्पीड थी वो थी 20 किलोमीटर पर सेकंड स्पेस में, कि जब वो पृथ्वी के ग्रेविटेशन में है उसकी स्पीड हो गई डबल यानी 40 किलोमीटर पर सेकंड। और ये जो इमेजिनरी पार्ट इसके बाद में पूरा कि 52,000 साल पहले यहाँ पर क्या हुआ होगा। अब जो एस्ट्रॉइड था वो जोन का वो थ्री लेयर जल रहता है, वो क्रैक करने के बाद वो पूरा जलता हुआ है। तो साइंटिस्ट का ऐसा मानना है जब वो जलते हुए नीचे आ रहा था तब 80% ऊपर ही बर्न हो चुका है और यहाँ पर सिर्फ 20% इम्पैक्ट हुआ है। अब ये पूरा इमेजिनरी पार्ट है कि 52,000 साल पहले यहाँ पर क्या हुआ होगा, कि जैसे ये जो हम ग्राउंड लेवल पर है ये पूरा प्लेन होगा, एक लेवल पर होगा। जैसे एस्ट्रॉइड नीचे आया, जलते हुए नीचे आया और जैसे अर्थ का जो सरफेस रहता उसे टच होने के बाद यहाँ पर एक इम्पैक्ट हुआ, जो इम्पैक्ट कहा जाता है उसकी पावर जो थी वो थी 6.0 मेगाटन पावर। अगर यही हमें किसी से कंपेयर करने तो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो अनुबम गिरे थे उनकी पावर थी 0.2 मेगाटन, यहाँ पर जो गिरा वो 6.0 मेगाटन। यानी जब ये इम्पैक्ट हुआ तब ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की जो पूरी मिट्टी या पत्थर हो गए पूरे जल चुके हुए क्योंकि वेपोराइज हो गए। लोनार जो कि हाइपर वेलोसिटिकल इम्पैक्ट कहा जाता है, पूरा अंदर चला गया, यहाँ का जो इम्पैक्ट की वजह से जो पत्थर या कोई होगा साइड में बाहर स्प्रेड आउट हो गए। और जो अश्नि कहा जाता है यानी एस्ट्रॉइड कहा जाते हैं उसके पार्टिकल साइड में पूरी साइड में स्प्रेड आउट हो चुके हैं। और उसके बाद में ये जो सारा आप देख रहे हैं वो इजेक्ट ऑफ ब्लैंकेट तैयार हो चुका है। बाद में साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि जो अश्नि है वो पूरी अंदर चली गई, कई सालों तक वो जलती रही, जलने के बाद कई सालों बाद जलने के बाद वो जब ठंडी हो गई और फिर यहाँ पर जो एटमोसफियर है वो चेंज हो गया यानी इको सिस्टम डेवलप हो गई। प्लस अब ये जो पानी है, पानी का जो है कि ये पूरा रेन वाटर है। हाल ही में 1972 में एक रिसर्च हुआ था कि पूरा पानी ख़त्म हो चुका था, बीच बाकी था। तो कई साइंटिस्ट का ऐसा मानना था कि इस साइड के पीछे पीछे एक डैम है, डैम का पानी नीचे से आता होगा। लेकिन जब यहाँ पर साइंटिस्ट आए उन्होंने ड्रिल कर लिया और तब देखा कि वो पानी अलग है, ये पानी अलग है। तब उन्होंने कन्फर्मेशन कर दिया कि ये जो पानी है वो रेन वाटर है। प्लस अभी रेन वाटर लेकिन ये खारा क्यों है, सबसे मेन सवाल ये है कि खारा क्यों है। प्लस इसका जो कलर है वो ग्रीन कलर है, नॉर्मल वाटर जो रहता है यानी रेन वाटर वो नॉर्मल वाटर रहता है, pH 7 रहता है। अभी जो कि यहाँ पर जो एस्ट्रॉइड गिरा था उसका नाम था बेसाल्टिक रॉक। बेसाल्टिक रॉक यानी उसमें 80% सॉल्ट और 20% आयरन कंटेंट। जैसे जैसे बारिश होती है बारिश के साथ में पार्टिकल्स नीचे आते हैं यानी पत्थर मिट्टी सब नीचे आते हैं और एक जगह पर मिल जाते हैं, यानी उसकी वजह से इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ते जाता है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से इसका pH इंक्रीज होता है। इसका जो pH है इक्वलेंट pH रहे 10.7, आप कभी भी आएंगे आपको 10.7 दिखाई देगा। या अभी जो विंटर चल रहा है विंटर में इसका थोड़ा बढ़ चुका है और समर में इससे ज़्यादा बढ़ता है। प्लस अभी जो पानी है पानी का कलर ग्रीन है। अब ग्रीन इसकी वजह से यहाँ पर जो अलगी है सबसे रेयर अलगी पाई जाती है उसका नाम है ग्रीन ब्लू अलगी। ग्रीन ब्लू अलगी जो इसके अंदर एक प्रोटीन रहता है उसकी वजह से रेयर कहा जाता है। स्पिरुलिना प्रोटीन है वो नेचुरली फॉर्म होता है, आपको डक्स दिखाई देगी साइड में यहाँ पर, यानी अब ये डक्स है। लेकिन यहाँ पर मरीन लाइफ सर्वाइव नहीं होती क्योंकि यहाँ पानी के अंदर ऑक्सीजन लाइफ नहीं है, मरीन लाइफ नहीं। लेकिन ये डक्स क्यों है, अब ये जो डक्स है यहाँ सिर्फ स्पिरुलिना खाने के लिए आते हैं। और इसी स्पिरुलिना का यूज़ अगर हम देखेंगे तो जो एस्ट्रोनॉट रहते हैं उनको जो टैबलेट दी जाती है उसमें स्पिरुलिना कंटेंट रहता है, स्पिरुलिना की टैबलेट, और यहाँ पर नेचुरली फॉर्म होता है। अगर आप कहीं मेडिकल स्टोर पर या कहीं पर गए तो आपको स्पिरुलिना मिल जाएगी लेकिन वो आर्टिफिशियल मिल जाती है और वो कॉस्टली रहती है, यहाँ पर नेचुरल फॉर्म है। अब हम इसका pH टेस्ट करने वाले हैं। अब जो है हमने क्रेटर का पानी ले लिया है इसमें का pH टेस्ट करने वाले हैं। pH टेस्ट जो रहता है उसमें दिखाया जाता है 1 to 6 जो रहता है वो एसिडिक, 7 जो रहता है यानी न्यूट्रल जो हम पानी पीते हैं, और 8 to 9 जो रहता है वो यानी बेसिक वाटर यानी समंदर का, यानी 8 to 9 में जो मरीन लाइफ सर्वाइव होती है, 9 के ऊपर जो रहता है वो अल्कलाइन वाटर रहता है। इसका जो pH है वो 10.7 है। अभी हम चेक करने वाले इसका कितना दिखा था। ये पेपर का नाम क्या है, pH पेपर, pH पेपर, ओके। आप देख सकते हैं इसका pH वैल्यू क्या है, ऑलमोस्ट 12 हो चुका है, 12 मैच हो रहा है 12 से।
भाई साहब इसके डायमेंशंस क्या है? ऊपर का सरकमफेरेंस 9 किलोमीटर, नीचे का 6 किलोमीटर, ऊपर से नीचे तक 170 मीटर और रेडियस जो है वो 1.8 किलोमीटर। ओके। और यहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो लगभग 383.83 हेक्टर है। ओके, फॉरेस्ट का लैंड। लैंड। ओके। और मैं देख रहा हूँ कि सामने कुछ वॉच टावर भी है वहाँ। हाँ। पे जो ऊपर वाला राउंड है उसमें लगभग 4 वॉच टावर है। okay. आप गाड़ी से जा सकते हैं और वॉच टावर से पर देख सकते हैं और फोटोज निकाल सकते हैं। ओके। अगर कोई नीचे नहीं आ सकता या चल नहीं सकता तो ऊपर से पूरा एक राउंड कर वॉच टावर का मजा ले सकते हैं, फोटोज निकाल सकते हैं। ओके। ये सामने भी यहाँ पे भी 2 वॉच टावर देख रहे हैं। हाँ, ऊपर टावर है 2। हाँ। एक जो देवी टावर कहा जाता है। ओके। और एक स्टार्टिंग में जो रहता है किनी गेट टावर है, यानी 2 मेन है, वहाँ से आप पूरा देख सकते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि सामने जो मंदिर दिख रहा है वहाँ पे, वो जो सामने वाला मंदिर जो है वो है लोनार का जो कुल देवता है कमलजा देव, उनका टेम्पल है। वो 11th-13th सेंचुरी के बीच में बना गया है, हेमाडपंथी आर्किटेक्चर है। okay. लोनार की जो कुल देवता है वो है। क्या नाम बोला उसका? कमलजा देवी टेम्पल। कमलजा देवी। ओके। और यहाँ पे सामने भी एक कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है। यहाँ पर जो मंदिर है यानी जो टेम्पल्स है लगभग 14 टेम्पल्स है। 14 टेम्पल में से सामने जो दिखाया जा रहा है वो देवी का टेम्पल है यानी कमलदा देवी का। हाँ। एक हम इसके बाद में जो देखने वाले हैं श्री राम जी का। ओके। ये 2 टेम्पल छोड़ने पर जो 12 शिव टेम्पल है वो शिव जी के टेम्पल है। ओके। जैसे कि इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग स्थित है। हाँ। अगर आप चाहे तो भी एक दिन में पूरा नहीं कर सकते। ओके। अगर यहाँ पर आप पूरा राउंड में घूमेंगे तो आपको 12 जगह पर 12 शिवलिंग दिखाई देंगे, अलग अलग फॉर्मेट में दिखाए गए। प्लस कई टेम्पल जो है अच्छी कंडीशन में, कई जो है टूट चुके हैं, लेकिन पूरे राउंड में 12 टेम्पल्स। ओके। तो यहाँ घूमने से ज्योतिर्लिंग का यात्रा भी हो सकता है, ऐसा हम मान सकते हैं। क्योंकि एक जगह यानी नीचे जो है कि 12 टेम्पल बनाने का कोई ना कोई मतलब होगा, इसलिए उन्होंने बनाए थे। बराबर है। जिस टेम्पल में आ चुके हैं उस टेम्पल का नाम है राम गया टेम्पल, यानी जब राम जी राम लक्ष्मण सीता जी जब वनवास में थे तब लोनार को आए थे और यहाँ पर उन्होंने उनके पिताजी का जो है अंत्य संस्कार यानी पिंडदान जो करते थे वो किया था। जैसे वो लोनार में उन्हें पता चला कि उनके पिताजी का देहांत हो चुका है और उनका जो पिंडदान रहता है वो ज्येष्ठ पुत्र करते हैं, इसलिए यहाँ पर जो मूर्ति दिखाई दे राम जी की वो अकेली मूर्ति है। वैसे कि जो पिंडदान करता है ज्येष्ठ पुत्र वो सिर्फ अकेले ही पिंडदान कर सकता है, उसके साथ में सीता उनकी पत्नी भी नहीं हो सकती और भाई भी नहीं हो सकता, इसलिए आपको सिर्फ अकेले राम जी दिखाई देंगे। उनके साथ में ना अस्त्र है ना शस्त्र है, सिर्फ ओनली वन सिंगल आ चुके हैं, यहाँ पर पिंडदान किया है और साइड में झरना जो है वहाँ पर उन्होंने पिंड विधि जरूरत है पूरी की गई। अब ये जो मंदिर है 11th-13th century बीच में बनाया गया है, हेमाडपंथी आर्किटेक्चर है कि अकेले राम जी की मूर्ति है। अगर आप चाहे तो यहाँ दर्शन करने के लिए आ गए तो अकेले राम जी की मूर्ति का आप दर्शन करेंगे तो वो सफल नहीं होता, वो विफल हो जाता है। अब यहाँ पर जो कि एक इंटरेस्टिंग जो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर जो आर्किटेक्चर बनाया गया उस समय में, तो यहाँ के जो आर्किटेक्चर बनाए गए यानी यहाँ पर जो 12 पिलर्स दिखाए गए। अभी जिस 12 पिलर का जिक्र किया था तो उसमें से देखिए 1, 2, 3 और ये 4, ये बीच में 4 पिलर हैं और एंट्रेंस के राइट साइड में ये यहाँ पे 4 पिलर हैं और तो यहाँ पे भी ये 4 पिलर हैं। जैसे कि आपने अभी देखा 12 पिलर्स दिखाए गए यहाँ पर, उन 12 पिलर के बीच में से जो शैडो रिफ्लेक्ट होती है यानी सनरस जो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आते हैं और जिस समय हमें मूर्ति के दर्शन करने के लिए आ जाएंगे तो हमारे खुद की जो शैडोज है वो मूर्ति के दोनों साइड में दिखाई देती है, यानी यहाँ पर जो कहा जाता है रिफ्लेक्शन दिखाया जाता है, यानी खुद में जो है कि सीता जी और लक्ष्मण जी को दिखाया जाता है, इसकी वजह से यहाँ पर जो दर्शन होता है वो सफल हो जाता है। दोस्तों ये देखिए ये नेचुरल झरना है, ये पानी का जो बहाव है वहाँ से शुरू हो रहा है और ये यहाँ से सीधा नीचे लेक की ओर जा रहा है। ये पानी इतना शुद्ध है कि डायरेक्टली हम इसे पी सकते हैं।
यहाँ पे इमली का पेड़ है और अपने सब राइडर्स इमली गिराने के लिए पत्थर फेंक रहे हैं। चलो अरुण, बाय बाय, मिलते हैं वापस, ओके। दोस्तों तो फाइनली लोनार लेक एक्सप्लोर हो गया है और अभी हम राइड कर रहे हैं टूवर्ड्स संभाजी नगर। इसी के साथ साथ लोनार को बाय बाय करते हैं और आप सभी से भी विदा लेते हैं और रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।